वर्ल्ड नोज इंडिया कल्चरली। भारत के अंदर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, ठीक है जनाब, 4 दिन के विजिट के ऊपर आ रहे हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्रिकेट ये चीजें जो है वो डिस्कस करने आ रहे हैं, 4 दिन का विजिट है। दोस्त ममालिक की तरफ से इजाफी डिपॉजिट्स पर अब भी खामोशी है, जहाद है, मदरसा है, वहाँ पे आपको इस तरह का माइंडसेट मिलेगा, एक एलीट कल्चर मिलेगा। इंडिया ने अपना जो कल्चर है वो डिफरेंट पोर्ट्रे की है। आलूगान, प्याज, टमाटर, मर्चकी, बादरंग। तो एक दफा आप सबको मेरी तरफ से सलाम। अभी जो है वो जर्मन आए हुए थे, इटालियन आए हुए थे, ऑस्ट्रेलियन आ रहे हैं, किस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो भारत की तरफ पलट रही है। और ये आप मिनहसल कौम बेवकूफ हैं, आपने हमें मामू बनाया है, आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं। यू आर कलेक्टिंग टैक्स इन रुपीज एंड यू आर पेइंग बैक इन यूएस डॉलर्स, नॉट इन 100 ईयर्स। आई चैलेंज एनी एनालिस्ट इन पाकिस्तान। अब ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं डेलीगेशंस बिजनेसमैन को लेके, ठीक है जी, हम तो नहीं, ऐसा नहीं कुछ हो रहा हमारे पास। मैं ये नहीं समझा कि इतना बड़ा बेवकूफ कौन हो सकता है पूरी कायनात के अंदर, मतलब ऐसे बेवकूफ लोग कम मिलेंगे, कि कर्जा डॉलर में लिया है और उसको लौटाने के लिए लोगों से रुपए में टैक्स लेंगे। मतलब आप देखें ना, टिपिकल जहालत है। कोई भी आपको बता सकता है, एक जाहिल इंसान भी आपको कह सकता है कि डॉलर महंगा है और उसकी कदर में रोजाना इजाफा हो रहा है और हम टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं रुपयों में और कह रहे हैं कि अगर रुपए हमें पूरे मिल गए तो हम वापस कर देंगे कर्जा, है ना। तो एक दफा आप सबको मेरी तरफ से सलाम। समझ गए ना आप मैंने आपके किस चीज को सलाम कहा है, आप समझ गए ना इस बात को। देखें, आप बेवकूफी की उस हद पर पहुंच चुके हैं, जहालत और दीवानगी के उस के अंदर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, ठीक है जरा, 4 दिन के विजिट के ऊपर आ रहे हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्रिकेट ये चीजें जो है वो डिस्कस करने आ रहे हैं, 4 दिन का विजिट है। अभी जो है वो जर्मन आए हुए थे, इटालियन आए हुए थे, ऑस्ट्रेलियन आ रहे हैं, किस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो भारत की तरफ पलट रही है। लेकिन पाकिस्तान में कुछ पता नहीं है कि हमारे नेबरिंग में क्या हो रहा है, एटलीस्ट नेबर की बात की जाए। पाकिस्तान में हमने वो दीवार लगा के रखी हुई है कि नहीं, इधर की बात नहीं करनी, खबर आएगी तो अफगानिस्तान की आएगी, भारत की खबर नहीं आ सकती पाकिस्तान में, ठीक है, ये चॉइस है, हमने इस चॉइस को ले लिया है और हमारे लोगों ने, हमारी पर्टिकुलरली जो लीडरशिप है वो ये चाहती है कि भारत की खबर ना आए, अफगानिस्तान की खबर पाकिस्तान में चलनी चाहिए। और आप ये देखें कि वो अफगानिस्तान जिसके लिए हम बहुत कुछ कर रहे थे, ठीक है जी, वो अफगानिस्तान सेंट्रल एशियन ममालक और इंडिया जो है वो मिलके दे आर फाइंडिंग अ वे आउट कि हमें क्या करना है। इंडिया सेंट्रल एशिया के साथ जॉइंट वर्किंग ग्रुप बना रहा है, ठीक है जी, और जितने भी सेंट्रल एशियन ममालक के स्पेशल एनवॉयज हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान जो है, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज्बेकिस्तान, और जो यूएन का जो कंट्री रिप्रेजेंटेटिव है ड्रग एंड क्राइम के ऊपर, ठीक है जी, और फूड के ऊपर जो है वो वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो इंडिया जो है उसने तमाम सेंट्रल एशियन ममालिक को मिला लिया है, और मैंने, मुझे नहीं याद कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसके सबसे ज़्यादा दौरे जो है वो सेंट्रल एशिया के हैं। मुझे नहीं पता वो क्या करते हैं वहाँ पे, हमने उनके साथ कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म ज़्यादा बढ़ा लिया हुआ क्या, या सिर्फ एट द स्टेक ऑफ के जी वहाँ पे वो थोड़े खूबसूरत इलाके हैं पाकिस्तान को, क्योंकि वीज़ा भी नहीं मिलता ज़्यादातर, तो सेंट्रल एशियन ममालिक बाकू वगैरह का जल्दी वीज़े मिल जाते हैं तो लोग वहाँ पर जाना जो है वो शुरू हो जाते हैं। एक तरफ तो ये चीज़ है, और पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान डजंट हैव एनी, पाकिस्तान के पास कोई मल्टीलैटरल फोरम नहीं है टू टॉक ऑन अफगानिस्तान, इसके ऊपर मैं दोबारा बात करूँगा। लेकिन ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि द वर्ल्ड अंडरस्टैंड इंडिया कल्चरली एंड द वर्ल्ड अंडरस्टैंड पाकिस्तान पोलिटिकली, अब आप ये इमेजिन करें कि जो अमरीका की जो कॉमर्स सेक्रेटरी है, ठीक है, वो डिफेंस मिनिस्टर के साथ मिलकर डांस कर रही है, सेलिब्रेट कर रहे हैं होली, ठीक है, पीछे म्यूजिक लगा हुआ है, इंजॉय कर रहे हैं, एक डिफरेंट कल्चर है जो दिखाया जा रहा है, इंडिया का कॉमर्स मिनिस्टर भी खड़ा हुआ है, और अब ये क्या दिखा रहे हैं वो दुनिया को, वो कह रहे हैं कि हम तो इस तरह के हैं भाई, हम तो ज़्यादा इन चीज़ें इंजॉय भी करते हैं, हम कहाँ डांस गाना ये मजाक, पाकिस्तान आते ही वो उनको दुपट्टा पहना देंगे और कहेंगे लो भाई तुम दुपट्टा पालो, ठीक है, तुमने इधर जाना तो दुपट्टा लेके जाना, उधर जाना तो दुपट्टा, कोई इसमें हर्ज नहीं है दुपट्टा लेने में, ठीक है, हर बंदे की चॉइस है उसमें वो क्या लेना चाहता है, द वन शुड हैव अ फ्रीडम। बट द क्वेश्चन इज कि ये जो दुनिया हमें ज़्यादा पोलिटिकली जानती है एंड मिलिट्री टर्म्स में जानती है, क्योंकि वहाँ पर जाएंगे उनको पता है यहाँ पर माजी में मिलिट्री डिक्टेटर रहे हैं,
फौज रही है, तो हमारा इनसे ही मिलना गिलना है। इंडिया में जाएंगे वो कहेंगे यार डेमोक्रेट हैं। मेरे ख्याल हर डेमोक्रेसी का ये हक है, अगर इंडिया के लोग नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं तो मैं जैद बकर किसी को क्या प्रॉब्लम होना चाहिए कि हाँ जी वो क्यों उसको पसंद करते हैं। लेकिन ये चीज़ कह देना जी इसलिए क्योंकि जी वो इंडिया में जी वो मोदी आ गया है तो वो इंडिया पीछे रह जाएगा, तो अगर इंडियन आवाम चाहती है कि इंडिया जो है वो हिंदूज़म जो है या उनका जो मज़हब है वो उनकी स्टेट क्राफ्ट में हो, दैट इज़ देयर एब्सोल्यूट राइट। हमें किसी को क्या इतराज़ होना चाहिए? अगर पाकिस्तान मुस्लिम मुल्क रह सकता है, इंडिया ने अगर अभी फैसला ये कर रहा है कि हाँ जी हमें ऐसे रहना है, तो सो वॉट, किसी को क्या चीज़ है। लेकिन आप इमेजिन करें कि वो यू एस सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स को, गिना को, ठीक है जी, वो होली सेलिब्रेशन में लेके आ गए। अब आप इमेजिन कर लें कि वो क्या कल्चर दिखा रहे हैं। क्या पाकिस्तान में किसी को हम ऐसे कल्चर जगह पे ले सक जा सकते हैं? हम कब सीरियस लेंगे अपने आप को? अब ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर आ रहा है डेलीगेशन बिजनेसमैन को लेके, ठीक है जी, हम तो नहीं, ऐसा नहीं कुछ हो रहा हमारे पास, और ना ही हमने इसके ऊपर कोई जोर लगाया।